लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद सभी पार्टियां चुनाव मैदान में आ चुकी हैं और सभी पार्टियां अपने अपने विनिंग कैंडिडेट को उतार रही हैं और कई जगहों पर बहुत ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो वहीं कई सर्वे करने वाली कंपनियां भी और कई मीडिया हाउसेस के साथ मिलकर जनता का मूड भांप रही हैं कि किसके पाले में जनता गिर रही है या गिरने वाली है और जनता का मूड किस नेता पर ज्यादा है और किसके लिए जनता कम दिलचस्पी दिखा रही है। इसी सिलसिले में चुनाव के ऐलान के बाद कराए गए सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री मोदी सभी नेताओं को पीछे छोड़ते हुए अभी भी जनता की पहली पसंद बने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के काम से झारखंड, राजस्थान और गोवा की जनता सबसे ज्यादा खुश दिख रही है और संतुष्ट भी। वहीं पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु के लोग उनके काम से सबसे कम खुश नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां लगातार दो ओपिनियन पोल्स में सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर कायम रहकर अपने प्रतिद्वंदियों को काफी पीछे छोड़ दिया है, वहीं मीडिया में छपी खबर पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि अगर राज्यवार आंकड़ों पर गौर करें तो 13 राज्यों में 50% से ज्यादा लोगों ने उनके काम को लेकर संतुष्टि जताई है और जनता मोदी के काम को पसंद कर रही है। और इस सिलसिले में झारखंड पहले पायदान पर है। झारखंड में 74% लोग मोदी के काम से संतुष्ट, राजस्थान में 68.3% लोग मोदी के काम से संतुष्ट, गोवा में 66.3% लोग मोदी के काम से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी सरकार वाले राज्य हरियाणा में 65.9% मतदाताओं ने मोदी के काम से संतुष्टि जताई है। वहीं सर्वे के हिसाब से 50% से कम वाले राज्य जो मोदी के काम से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं उनमें महाराष्ट्र में 47.9% लोग मोदी के काम से संतुष्ट हैं, असम में 47% लोग मोदी के काम से संतुष्ट हैं, पश्चिम बंगाल में 43.2% लोग मोदी के काम से खुश नजर आ रहे हैं, यूपी में 43% लोग मोदी के काम से संतुष्ट हैं। सर्वेक्षण की माने तो इस मामले में सबसे नीचे तमिलनाडु रहा, जहां सिर्फ 2.2% लोग, केरल में मात्र 7.7% लोग और पुडुचेरी में सिर्फ 10.7% लोग ही मोदी के काम से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के गढ़ पंजाब में भी 12% लोग प्रधानमंत्री के काम से संतुष्ट दिख रहे हैं। तो चौंकाने वाला रिजल्ट आंध्र प्रदेश से आया, जहां 23.6% लोगों ने मोदी के काम को सराहा है। तो कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि मोदी का जलवा अभी भी कायम है और 2019 में मोदी को आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी है, जिसका जवाब जनता 23 मई को अपने रिजल्ट से देगी, जिसके बाद ये पता चलेगा कि कौन देश की तकदीर लिखेगा और भारतीयों को लेकर आगे जाएगा। साथियों, मैं सच्चे दिल से आप सबको सैल्यूट करता हूं। गांव हो, शहर हो, कोई भी मौसम हो, सर्दी, गर्मी, बरसात, कैसी भी परिस्थिति हो, आप अपने काम में जुटे रहते हैं, करते रहते हैं। घर में इतना ही बड़ा कार्यक्रम क्यों ना हो, बच्चों का जन्मदिन हो, माँ बाप के लिए कोई आवश्यकता हो, तब भी आप हमेशा अपनी ड्यूटी निभाते हैं। आप सभी का दायित्व ऐसा है कि ड्यूटी ही त्योहार बन जाती है। आप लोग हैं तभी कोई समाज स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। संभव है कि आप जिस सोसाइटी में, जिस फैक्ट्री में ड्यूटी देते हैं, वहां रहने वाले, वहां काम करने वाले भी आपका आपका नाम भी नहीं जानते हो या शक्ल से पहचानते भी नहीं हो, लेकिन फिर भी आप दूसरों की रक्षा सुरक्षा के दायित्व को निभाते चलते हैं। आप लोगों की कड़ी मेहनत को धन्यवाद सर। देवियों और सज्जनों, अब हम आपके साथ बातचीत का दौर शुरू करने जा रहे हैं।
पहले व्यक्ति जो अपनी बात कहेंगे वह है उत्तर प्रदेश से रेणु पिक्टर जी, कृपया अपनी बात कहें। नमस्कार जी। सर जय हिंद। जय हिंद जय हिंद, बताइए। सर मैं रेणु पिक्टर बोल रही हूँ, जिला फरुखाबाद यूपी से। मैं सुरक्षा कर्मी हूँ, एक 4 साल से सुरक्षा कर्मी के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। रेणु जी सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि एक महिला जब सबकी सुरक्षा करती है तो हिंदुस्तान का गर्व बढ़ जाता है। सर मुझे भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है, मैंने भी अपने आप को इस लहजे पे रखा हुआ है। जी बताइए। सर मेरा एक सवाल था आपसे। जी जी। सर हम गांव के गरीब परिवार से आते हैं, इज्जत ही हमारी पूंजी है। वर्षों के कई मेहनत से चौकीदार एक इज्जत और भरोसा कमाता है। राजनीति के चलते सर हम लोगों को चोर कहा गया। हम लोग जहां काम करते हैं सर, वहां पर हम लोगों को शक की नजर से देखा जा रहा है। देश के जवान भी सर एक चौकीदार है, क्या वो भी चोर है? सर मन बहुत दुखी हो रहा है सोच के, इसीलिए आपसे ये सवाल की हूँ। आपकी भावना मैं समझ सकता हूँ, और जो भावना आपने प्रकट की है वो हिंदुस्तान की सुरक्षा में लगे सब जवानों के मन में भी पड़ी है, चौकीदार के रूप में काम करने वालों के मन में भी पड़ी है। लेकिन सबसे पहले देश में चौकीदारी का काम करने वाले, चाहे सेना के जवान हो, पुलिस के जवान हो, सुरक्षा बल के जवान हो, और आप जैसे दिन रात मेहनत करने वाले लोग हो, मैं सबसे पहले तो आप सबकी माफी मांगता हूँ। क्योंकि माफी मैं इसलिए मांगता हूँ कि कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए पिछले कुछ महीनों से बिना सोचे समझे अनाप शनाप गाली गलौज करना शुरू किया, और उसमें उन्होंने चौकीदार को चोर कह दिया। एक प्रकार से हर चौकीदार के जीवन के सामने, उनकी तपस्या के सामने उन्होंने सवालिया निशान खड़ा कर दिया। वो मेरे नाम से गाली देते, मेरा नाम कह करके कुछ भी बोलते तो शायद आपका ये नुकसान नहीं होता, लेकिन उनकी वो हिम्मत नहीं थी, और इसलिए उन्होंने चौकीदार को ही चोर कहने का रास्ता चुना। इस देश का दुर्भाग्य है कैसे लोगों की भाषा आप सबको पीड़ित कर रही है। और मैं आपको बताऊं, ये बात यहाँ अटकने वाली नहीं है। हताशा निराशा की गर्त में डूबे हुए ऐसे कुछ लोग आगे भी यही करने वाले हैं। वो नई नई चीजें खोजेंगे, कहीं को किसी चौकीदार के ऊपर आरोप लग गया होगा तो उसी को उछालेंगे, देखिए वो चौकीदार ने चोरी की। ये करने वाले हैं, चौकीदार को बदनाम करने के लिए शायद अब नए नए तरीके ढूंढने वाले हैं, और इसलिए हमने पूरे धैर्य के साथ जो भी चौकीदारी करने की हमारी जिम्मेवारी उसको हमने निभाना है, चौकन्ने होकर के निभाना है। पर साथियों दूसरी तरफ देखिए, ये भी देखने का माहौल है ना कि चारों तरफ माहौल बन गया है, और उसको तो आपको भी गर्व होगा। आज पूरा देश चौकीदार होने की शपथ ले रहा है, आज चौकीदार शब्द देशभक्ति का पर्याय बन गया है, ईमानदारी से काम करने का पर्याय बन चुका है। और मैं आपको बताऊं, मेरा ये कोई पहली बार अपमान नहीं हुआ है, ये नामदारों की फितरती है, नामदारों की आदत होती है कामदारों के प्रति नफरत फैलाना, असहिष्णुता ये उनके स्वभाव में है, और ये इतना जल्दी जाने वाला भी नहीं है। कामदार कुछ भी कर ले, अगर कोई कामदार प्रधानमंत्री भी बन जाए तो भी ये लोग उसे ऐसे ही अपमानित करते रहेंगे। साथियों मेरा मानना है कि कोई नाम से बड़ा नहीं होता बल्कि अपने काम से होता है, देश के प्रति अपनी निष्ठा से, अपने समर्पण से, अपने योगदान से होता है।